अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन ब्यूटी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए ईद के ड्रेस अभी तक नहीं बनाए हैं, टाइम भी कम है, दिन कम है, और आप बनाना चाह रही हैं, ख़ुद स्टिचिंग करना चाह रही हैं या किसी टेलर से स्टिचिंग करवाना चाह रही हैं, तो स्किप किए बगैर डिज़ाइन देखें। तमाम डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं, आपको खुद आइडिया होगा। हर डिज़ाइन देखकर आप डिज़ाइन के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन भी चेक करते जाएं। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन आप अच्छा रखें, डिज़ाइनिंग आप अच्छी करें, आप देखिएगा ड्रेस वैसे ही इतना प्यारा बन जाता है। और बच्चियाँ तो होती हैं इतनी प्यारी हैं, इनके ऊपर हर तरह का कपड़ा पहना हुआ अच्छा लगता है। आप लोग चाहे ब्राइट कलर लें या लाइट कलर लें, लाइट कलर्स का ज़रा ये होता है कि बच्चे थोड़ा सा गंदा जल्दी कर लेते हैं। आपने जैकेट के साथ डिज़ाइनिंग करनी है, आप जैकेट के साथ कर लें। सिंपल बगैर जैकेट के साथ भी आप इस तरह का ड्रेस बना सकते हैं, लेकिन यह कि जैकेट के साथ ज़रा लुक चेंज हो जाती है, ब्यूटीफुल सी शेप और स्टाइलिश से उसका डिज़ाइन बन जाता है। एम्ब्रॉयडरी वाला अगर कोई फैब्रिक ले रहे हैं तो इस तरह का डिज़ाइन बना लें, और आप इसमें कंफर्टेबल सा कोई फैब्रिक लें और इसमें आप लोग लेसेस लगाकर डिज़ाइनिंग करें। पेम्पलम फ्रॉक के साथ इस तरह के गरारे बना सकते हैं, सिंपल सिंपल से। थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक है तो रेप वाला बनाएं, जैसे कि ये बना हुआ है, और अम्ब्रेला स्टाइल का बना सकते हैं, प्लाजो स्टाइल का बना सकते हैं। हर तरह का डिज़ाइन ये है कि आप चेक करके बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयरिंग करें अपने तमाम फ्रेंड के साथ। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें। इसके अलावा आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।